दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। अभी COVID-19 का दौर चल रहा है और इतने दफा लॉकडाउन होने के बाद आवाम की जो पॉकेट है वो खाली होती हुई नजर आ रही है और इसी सिचुएशन में आवाम के साथ धोखाधड़ी होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप एक नई स्कैम होनी शुरू हो गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी रिसेंटली मीडिया में काफ़ी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि ज़्यादातर लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं क्योंकि फ्रॉड जो है वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अलग अलग तरीके से फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। फिलहाल व्हाट्सएप पे जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आपको आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आएगी, फिर आप सोचेंगे कि भाई ये किसका नंबर है, ये अनजान नंबर किसका है, कहीं लड़की का तो नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आप पिकअप कर लेते हैं तो आप इधर से हेलो करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ सेकेंड के लिए गंदी वीडियोज़ प्ले होंगी, यानी 5 या 10 सेकेंड के आसपास। फिर कुछ 5-10 सेकेंड के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे भाई ये क्या हो गया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा उसी नंबर से जो आपने कॉल पिकअप किया था, जिसमें आपकी फ़ोटो होंगी और जो गंदी वीडियोस प्ले हुई थी 5 या 10 सेकेंड वो। तो वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए सेक्सट्रॉशन करेगा। कौन बंदा? जो आपको वीडियो कॉलिंग किया था वो बंदा। ब्लैकमेल करेगा, आपसे पैसे की डिमांड करेगा। हालांकि अभी जो स्कैम चल रहा है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे घर वाले नंबर पे ऑडियो कॉल आया था, हालांकि वीडियो कॉल आता है लेकिन ऑडियो कॉल आया था। तो मेरा एक भांजा है जिसका नाम आसिफ अंसारी, हालांकि उसने बोला कि मामा प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चा है इसलिए उसका नाम ले लेता हूँ। खैर, अगर आप भी कोई कॉन्टेंट चाहते हैं, कोई अच्छा कॉन्टेंट चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। खैर, उसने कॉल पिकअप करते ही हेलो बोला तो उधर से डायरेक्टली बोल रहा है व्हाट्स योर लोकेशन। उतने ही पे मेरे भांजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने घर पे ऑलरेडी सबको बता रखा है कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए और वो आइडेंटिफिकेशन करे तो उसे कुछ भी नहीं बताना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। खैर, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें? तो सबसे पहले क्या है कि आप कॉल पिकअप बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कॉल पिकअप कर भी लेते हैं, मतलब गलती से कर भी लेते हैं और आपका फेस रिकॉर्डिंग हो जाता है गंदी वीडियो के साथ में, और उसी गंदी वीडियो जो है गंदी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप उसे पैसे बिल्कुल भी ना दें। ऐसे सिचुएशन में आप पुलिस का सहारा लें, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करें और बताएं कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो वो और ज़्यादा डिमांड करते जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी पैसे ना दें। दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप स्कैम है ये बिल्कुल नया है और ना जाने अभी तक कितने लोग शिकार हो चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि अगला बंदा कोई शिकार ना हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आप ATM फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँच सके। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।